नमस्कार साथियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। तो कक्षा 6 के विषय में हम बात करेंगे, कक्षा के 6 के जो अध्याय हैं उनके बारे में। तो भूगोल जो भाग 1 था वो हमने बात कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष की खोज, ग्लोब मानचित्र, महाद्वीप, महासागर और पर्यावरणीय प्रदेश, ये जो भूगोल के टॉपिक थे ये हमने बात की थी। इसके बाद हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत बात की थी, हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, 10वां अध्याय आता है हमारे बाजार और 11वां अध्याय है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो ये दो टॉपिक जो है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कड़ी में हम बात करते हैं हमारे बाजार के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो देखिए, वस्तु के बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? उसे मुद्रा विनिमय कहा जाता है, ठीक है। वस्तु के बदले पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना मुद्रा विनिमय, और वस्तु के बदले वस्तु तो वस्तु विनिमय, ठीक है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करने का, ठीक है। ये बेसिक प्रश्न है, लेकिन आपको ये मेंस आरए जो मेंस होता है उसमें भी आपको घुमा फिरा के इन प्रश्नों को पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका एक बेस लेवल है, ये आपकी नींव है, ठीक है। फिर बात करते हैं व्यय व्यापारी जो उत्पादकता से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो थोक व्यापारी कहलाते हैं, ठीक है। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? तो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। जो व्यापारी वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है, उसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। खुदरा मूल्य जो अपन सुनते हैं वही है। फिर बात करते हैं भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी बैंक है भारत के, वो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत बात करते हैं इनके अंदर। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है? तो वह है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जो है वो परिवार के सदस्यों के द्वारा चलने वाला उद्योग है। लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? तो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर 20 कर्मचारी उसमें काम करते हैं तो वह एक लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारे बाजार के ये महत्वपूर्ण थे, ये हमने बात की। अब बात करते हैं सहकारिता उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो हम बात करेंगे। तो देखिए, सहकारिता उपभोक्ता संरक्षण, संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं सहकारिता, ठीक है। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग करते हैं, वो जो कार्य करते हैं उसे सहकारिता कहते हैं, ठीक है। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? तो सहकारिता, देखिए, सब एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का जो मूल मंत्र है वो देखिए, एक सबके लिए है और सब जो है वो एक के लिए है। ये यही से आपका निचोड़ निकल जाता है, ठीक है। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक होता है? तो प्राथमिक जो सहकारी समिति होती है उसके गठन में 15 जनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 15 सदस्य होने ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकारियों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? तो उपभोक्ता जो अधिकारी हैं उनके लिए कानून का प्रावधान है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का, ठीक है। 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था, एक्ट बना था, तो उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारियों की रक्षा के लिए कानून का प्रावधान रखा गया था। फिर बात करते हैं जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो 20 लाख तक की शिकायत की जा सकती है जिला उपभोक्ता मंच पर। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपये तक की शिकायत की जा सकती है? तो 20 लाख से 1 करोड़ तक की गई है। जिला के स्तर पर 20 लाख और राज्य उपभोक्ता आयोग के जो है उस पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो 1 करोड़ से अधिक, ठीक है। राष्ट्रीय है तो 1 करोड़ से अधिक हम जो उपभोक्ता आयोग है उस पर शिकायत की जा सकती है। दूसरे की मेहनत पर अनुचित लाभ उठाना क्या कहलाता है? तो उसे शोषण कहलाता है। दूसरे की जो मेहनत है उसे अनुचित लाभ उठाया जाता है उससे, तो शोषण ही हो रहा है उनका। इसलिए क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदल कर नया देने का वादा करना गारंटी कहलाता है, ठीक है। वारंटी और गारंटी में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उनमें गारंटी और वारंटी में इतना बड़ा होने के बाद भी व्यक्ति इतना आगे बढ़ने के बाद भी गारंटी वारंटी में भूल जाता है। तो देखिए, क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदल कर, यहाँ पर वस्तु बदल जा रही है, ठीक है, तो वस्तु बदल कर नया देने का वादा करना गारंटी कहलाता है, ठीक है। और वारंटी किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में, ठीक है,
जो आपने खरीद रखी है उसके निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु दोष मुक्त करके देने का वादा वारंटी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा गारंटी वारंटी। देखो सबसे अच्छा फंडा यह है कि गारंटी जो होती है वो आपको यदि कोई वस्तु मिली है और आपको यदि बदलना चाहते हैं या ख़राब आ गई है आपके पास, दोषपूर्ण आ गई है, तो उसको आपको बदल देंगे। ठीक है, रिप्लेस करेंगे। आपने जैसे कोई चीज़ खरीदी है तो उसके बदले में आपको वही की वही चीज़ दूसरी दे देंगे और वो चीज़ वो मालिक रखेगा। ठीक है, तो उस तरीके से तो वो हो जाएगी गारंटी। और वारंटी के अंतर्गत आपको दोषपूर्ण चीज़ है तो वो आपको उसको सही करके देगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं वो उनको सही करके आपको देगा। तो देने का जो वादा करता है वो वारंटी के अंतर्गत आता है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? तो सहकारिता विभाग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, सहकारी समितियों का पंजीकरण सहकारिता विभाग से कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता आयोग से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब बात करते हैं सरकार और लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, देखो वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, 6 मिनट का अभी हो चुका है। तो सरकार लोकतंत्र से जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। बाल विकास, ये बहुत सारे यहाँ से टॉपिक हैं, 360 की PDF है, ये आपको बहुत जल्द मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।